बेलून वाला। एक गांव में गणेश नाम का बेलून बेचने वाला रहता था। वो अपने साइकिल पर बेलून्स बांधकर ए बेलून्स, रंग बिरंगे बेलून्स करके बेचता रहता था। बच्चे उसके पास से बेलून खरीद के ले जाते थे। वो साइकिल को स्कूल के सामने लगा देता और बच्चों को बेलून्स बेचता। उस स्कूल में रॉकी नाम का एक बदमाश बच्चा भी था और रॉकी से स्कूल के बाकी बच्चे बहुत डरते थे। बच्चे बेचारे गणेश से बेलून्स खरीदते, रॉकी एक छोटा सा सुई लेके उन्हें फोड़ता रहता। बेलून फूट जाता तो बच्चे बेचारे रो पड़ते। रोते हुए बच्चों को देखकर गणेश को बुरा लगता, पर रॉकी तो ठहरा हेडमास्टर का बेटा, गणेश उसे कुछ कह भी नहीं सकता। एक दिन गणेश का तबीयत बहुत बिगड़ गया। बेलून नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? मेरा तो तबीयत बिगड़ गया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। पापा, मुझे तो साइकिल चलाना आता है, तुम्हारा तबीयत ठीक होने तक मैं जाकर बेलून्स बेच आता हूँ। वैसे भी मैं तो पढ़ाई घर पर ही करता हूँ, रात को पढ़ लूंगा, उसने समझाया। उसके माँ बाप उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। दूसरे ही दिन से राहुल गली गली में ए बेलून्स, रंग बिरंगी बेलून्स कहकर बेलून्स बेचने लगा। फिर वो गांव के स्कूल के सामने साइकिल खड़ा कर लिया और बेलून्स बेचने लगा। दूसरे बच्चे बेलून्स खरीद के ले जा रहे थे और रॉकी आराम से उन्हें फोड़ रहा था। ये देखकर राहुल को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन रॉकी ने राहुल को देखकर सोचा, अरे ये क्या, ये बच्चा रोज बेलून्स बेच रहा है, मैं जरा इसका टांग खिंचाई करता हूँ। वो अपने उंगलियों के बीच एक सुई को फंसा लिया और राहुल के साइकिल के पास आ पहुंचा। अरे वो पीला बेलून तो बढ़िया है, जरा दो तो मुझे। राहुल ने बेलून दे दिया और रॉकी के हाथ में वो फट से फट गया। अरे ये क्या, पकड़ते ही फट गया, चलो कोई नहीं वो हरा बेलून तो दो। हरा बेलून लेकर उसने अपने हाथों से दबा दिया और वो बेलून भी फट गया। राहुल घबरा कर उसे देख रहा था। इसके बाद रॉकी ने, अरे वो वाला बेलून अच्छा है, अच्छा वो वाला दो ना, अच्छा वो नीला वाला, वो पीला वाला, राहुल के पास जितने भी बेलून थे सारे फोड़ डाले। राहुल को उसका बदमाशी समझ में आ गया। इसके बाद रॉकी हर रोज राहुल के बेलून्स फोड़ता था। घर पहुंचने पर राहुल की माँ बोलती, कुछ पैसे मिले क्या? घर पे खाने को भी कुछ नहीं है। राहुल बड़ा दुखी होकर बोला, माँ स्कूल के पास एक लड़का सारे बलून्स फोड़ दे रहा है। माँ स्कूल के सारे बच्चे उससे डरते हैं, माँ उसे कैसे रोकूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहकर बेचारा रो पड़ा। एक दिन राहुल अपने साइकिल को रखकर एक जगह पर बैठकर सोच रहा था। इतने में गैस गाड़ी वाला वहां से निकला। ए तू गणेश का बेटा है ना? अरे तेरा बाप तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्या हुआ बेटा इतना दुखी क्यों है? राहुल ने उसे सारी बातें समझाई। अरे उस रॉकी के बारे में मेरा बेटा भी रोज बोलता रहता है, उसे सीधा करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, तो चल मेरे साथ। फिर राहुल को साथ लेकर वो एक जगह पहुंचा। वहां एक बड़े से बेलून में उसने हीलियम गैस भर दी। फिर राहुल उस बेलून को गैस के ऑटो पर बांधकर उसके साथ स्कूल पहुंचा। रॉकी ने उस बड़ा सा बेलून को देखा और सोचा, अरे वाह कितना बड़ा बेलून है, इसके साथ तो मैं दिन भर खेलूंगा, इसे मैं फोड़ूंगा नहीं। वो राहुल के पास गया और बोला, ए वो बेलून मुझे दे। 100 रुपए लगेंगे। क्या 100 रुपए? मैं नहीं दूंगा। वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम तो वैसे भी इसे फोड़ोगे, रुको मैं ही फोड़ देता हूँ, कहकर उसने उसे फोड़ने के लिए हाथ उठाया। मत फोड़, ये ले पैसे, कहकर उसने उसे पैसे दिए। फिर वो बेलून लेकर वो हाथ में पकड़ लिया। बस बेलून उसे लेकर हवा में उड़ गया। अरे ये क्या, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, वो चिल्लाया। बाकी बच्चे दंग होकर उसे देखने लगे। वो हवा में उड़ते हुए गांव पे से गुजर रहा था। अरे मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, गांव वाले भी दंग होकर उसे ही देख रहे थे। वो पहाड़ों के ऊपर से जंगल के ऊपर से समुंदर के ऊपर से उड़ने लगा और जोर जोर से चिल्ला रहा था।
उड़ते उड़ते फिर से स्कूल के ऊपर ही आ पहुंचा। मुझे कोई बचाओ, मैं मर रहा हूँ। राहुल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नीचे उतार। वो फूट फूट के रो रहा था। सारे बच्चे उसका हालत देखकर बड़ा हंस रहे थे। फिर से किसी का बलून नहीं फोड़ेगा तो मैं तुझे नीचे उतारूंगा। माँ कसम, फिर किसी के बलून नहीं तोड़ूंगा, फिर किसी को तंग नहीं करूंगा, मुझे नीचे उतार। राहुल ने तुरंत एक गुलेल में एक पत्थर फंसाया और उससे बैलून को फोड़ डाला। बैलून में एक छेद हुआ। बैलून का हवा धीरे धीरे कम होता गया और रॉकी धीरे धीरे नीचे उतर। नीचे पहुंचकर रॉकी के जान में जान आया। इसके बाद रॉकी के पिता हेडमास्टर जी ने भी रॉकी को बहुत डांटा। इससे रॉकी में बदलाव आया और वो एक अच्छा स्टूडेंट भी बना। स्कूल के बाकी बच्चों ने राहुल का बड़ा प्रशंसा किया। स्वीट फूड। एक गांव में बिज्जू नाम का एक आदमी रहता था। उसे मिठाइयां खाने का पागलपन चढ़ा रहता था। बेटा बड़ा चालाक था। भले वो कोई काम धंधा ना करे, घर पर माँ बाप से चिपड़ी चुपड़ी बातें कर पैसे जरूर निकाल लेता था और उन पैसों से मिठाइयां खरीद के खाता था। एक दिन बिज्जू के पापा ने कहा, सुन बेटा, अब तेरा भार हम नहीं उठा सकते। हम दोनों ने कुछ सोचा है। जब तक तू इस घर में रहेगा, नौकरी वोकरी करेगा नहीं, इसलिए आज तू घर छोड़ के चला जा और अपना रास्ता नाप। तब तू समझ पाएगा आटे दाल की भाव। चला जाता हूँ, क्यों मैं बाहर जाके जी नहीं सकता क्या? अरे मेरे दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, कहीं भी नौकरी वोकरी मिल जाएगा मुझे, चलता हूँ अभी, कहकर वो चला गया। सुनिए जी, मुझे तो डर है ये अपने बेकार की सोच की वजह से कहीं कोई झगड़े न खड़े कर दे। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। बिज्जू एक जगह पर बैठकर, आज मैं नौकरी कर लूंगा, महीना भर काम करूंगा, तनख्वाह मिलेगा, तनखे का क्या करूंगा, मिठाई खाऊंगा ना, तो अगर मैं हलवाई के पास काम पर लगूं, मिठाई तो मिल ही जाएगी, ऊपर से मेरा तनखा भी बच जाएगा। ये सोचकर वो पास के गांव गया और चमनलाल हलवाई के यहाँ वो नौकरी पर लग गया। देखो बेटा, मैंने शहर में दूसरी दुकान खोली है, सुबह जाता हूँ, शाम को लौट आता हूँ, ये लिस्ट पकड़ो, कहकर उसने एक लिस्ट दिया। इस लिस्ट में दुकान की सारी मिठाइयाँ और उनके दाम लिखे हुए हैं। जब शाम को लौट आऊंगा ना, मिठाइयाँ और पैसे गिन लूंगा। छोटी सी भी गड़बड़ हुई ना, नौकरी से निकाल दूंगा बाबा, कहकर वो चला गया। बिज्जू सोचा, बाप रे क्या आदमी है, इतना सा टुकड़ा खाऊंगा तो भी पता चल जाएगा इसे, क्या करूं। फिर शाम तक वो मिठाइयां बेचते गया, पर उसका दिमाग मिठाइयां किस तरह से खाई जाए इस विषय पर केंद्रित था। उस गांव में सुरेंद्र नाम का एक सब इंस्पेक्टर नया नया आया था। वो बड़ा ही सीधा आदमी था, घूस शब्द भी सुन लेता तो गुस्सा हो जाता। उस दिन वो चमनलाल के दुकान पर आया था, मिठाइयां खरीद ले गया। उसे देखकर बिज्जू को एक आइडिया आया। सुरेंद्र मिठाइयां लेके जा रहा था। सर, मेरा नाम बिज्जू है, बचपन से खाने को ना लड्डू थे ना जलेबी, बहुत मुश्किल में पला हूँ। मैंने कुछ अनाथ बच्चों को अन्नदान करने का सोचा है, ताकि उनको कभी भूखा पेट ना रहना पड़े। हर महीने मेरे पगार में से आधा हिस्सा उन बच्चों के लिए बचा के रखता हूँ। वैसे ही आप जैसे बड़े लोगों से गुजारिश करता रहता हूँ कि आप भी उनकी कुछ मदद कर दे। बहुत ज्यादा की मांग नहीं है सर, 10 रुपए दे दीजिए, चल जाएगा। 10 रुपए से 2 बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई जा सकती है, क्या कहते हो साहब? बाकी सब तो ठीक है, पर बीच में ये मिठाइयाँ कहाँ से घुस गई? हर महीने पगार आने के बाद कुछ ना कुछ दे जाऊंगा, ठीक है? सर जी, बीच बीच में आपको मैं याद दिलाता रहूंगा, ठीक है? ठीक है। और हाथ हिला दिया। बिज्जू ने उसी वक्त 2 किलो मिठाइयां खा ली। उस दिन शाम को चमनलाल लौटा, मिठाइयों का हिसाब लिया और पैसे गिनने लगा। अरे ये क्या, 2 किलो मिठाइयों का हिसाब नहीं मिल रहा है। अरे क्या बताऊं सेठ जी, ये जो नया आया है ना सब इंस्पेक्टर, मिठाइयां ले गया, पैसे मांगा तो बोला, अरे इतनी हिम्मत, मुझसे पैसे मांग रहा है, भिजवा दूंगा, कहकर मिठाइयां लेके चला गया। वो देखिए, वहाँ खड़े हैं साहब। थोड़ी दूर सुरेंद्र सब्जियां खरीद रहा था, उसने सुरेंद्र को दिखा दिया। चमनलाल की आंखों से लग रहा था उसे भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा है ना सर, पैसे याद है ना, वो चिल्लाया। ऐसा ही थोड़ी दूर से, हाँ हाँ दे दूंगा, वो हाथ हिलाया। इस तरह हर रोज बिज्जू 2-3 किलो स्वीट खा लेता था। शाम को चमनलाल के सामने, ऐसा ही साहब पैसे याद है, वो चिल्लाता था। ऐसा ही दूर से, हाँ हाँ दे दूंगा ना भाई, इतने बार क्यों पूछते हो, वो गुस्सा करता था।
देखा सेठ जी उसके तेवर, हमारे ही पैसे रोक के हमें ही आंखें दिखा रहा है। रुकिए, अभी जाता हूँ और किसी भी तरह मैं उससे पैसे वसूल करके ही लाता हूँ। अरे रहने भी दो भाई, गुस्सा वुस्सा आ गया ना, दुकान वुकान तोड़ वोड़ देगा, अब रहने भी दो बाबा, वो बोला। इस तरह एक महीना गुजर गया। एक दिन ऐसा ही दुकान पर आ पहुंचे। उस दिन बिज्जू के साथ साथ चमनलाल साहब भी दुकान पर थे। बिज्जू थोड़ा घबरा गया। ऐसा ही ने मिठाइयां खरीदी और चमनलाल को पैसे देने लगा। अरे रहने दो साहब, आज तो सिर्फ 250 ग्राम लिया है, कोई बात नहीं साहब। अरे ले लीजिए भाई। अरे नहीं नहीं साहब, आप ऐसा ही ठहरे, आपका हमारा तो चलता ही रहेगा। अच्छा तो मुझे घूस दे रहे हो? घूस लेना ही नहीं, घूस देना भी कानूनी जुर्म है, पता है तुम्हें? फिर से ऐसा किया ना तो मैं जेल में बंद कर दूंगा, समझ गए? चमनलाल को गुस्सा आ गया। अरे आप रहने भी दो साहेब, हर रोज 2-3 किलो मिठाई ले जाते हो, वो घूस नहीं है क्या? अब इतने भी ज्ञान मत दो मुझे, समझ गए? इधर बिज्जू कांपने लगा, ऐसा ही गुस्से से लाल हो गया। क्या बोला? मैं तुम्हारे दुकान से फोकट का मिठाई ले जा रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं क्या बोल रहा हूँ, हर रोज इस बच्चे से 2-3 किलो मिठाइयाँ ले जाते हो और कहते हो पैसे दे दूंगा। सोचा मैंने देखा नहीं है, तब जाके एसआई को पूरी बात समझ में आ गई और उसने चमनलाल को पूरी विषय की जानकारी दे दी। इसके बाद एसआई और चमनलाल मिलकर बिज्जू को जो पीटा ना, तौबा तौबा।